हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं नाविद खान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी को पता है कि समर्स का सीज़न चल रहा है और गर्मी दिन पर दिन अपना कहर बरसा रही है, ज़रा भी कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ रही है गर्मी। और इसी मौसम में हम सभी को हमारे स्किन के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें डील करना पड़ता है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्किन केयर रेंज लेकर आया हूँ जो आपकी स्किन को लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के तीनों रिजल्ट्स देने वाली है। और जी हाँ, इस पूरे वीडियो में तीन प्रोडक्ट का रिव्यूज़ मैं आप सभी के साथ करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं मत जाइएगा। सो गाइज, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं उस ब्रांड के पहले प्रोडक्ट की तरफ। हालाँकि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सभी को पता है कि उस ब्रांड को मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है और मुझे भी उस ब्रांड से बहुत मोहब्बत है कि मैं उनका रिव्यू ज़रूर करता हूँ। और मुझे हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले उनके ये पूरी स्किन केयर किट मुझे रिसीव हुई, सो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस से उसका रिव्यू शेयर करूँ। सो पहला प्रोडक्ट है ये वाओ का विटामिन सी फेस वॉश। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को मुझे डेमो देना था, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। ये जेल बेस्ड फेस वॉश है। गाइस, वाओ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो वाओ ब्रांड है ये बहुत नेचुरल तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता है। इसके प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं, इनमें नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो कलर, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की जाती। और सबसे अच्छी बात, इन प्रोडक्ट को एनिमल पे भी नहीं टेस्टेड किया जाता। सो गाइज, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, आइए मेरे साथ। और ये इस विटामिन सी रेंज का दूसरा प्रोडक्ट है, ये है क्ले फेस मास्क। मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ और इसके साथ ये स्पैचुला मिला है। आपको इसे कुछ नहीं, लिड को खोलना है। मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ और मैं लगाते लगाते आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। और मुझे ये मैंने ये ट्राई करा है, बट मैं फिर दोबारा आपको डेमो करके दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है और इस विटामिन सी क्ले फेस मास्क को स्पैचुला की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि कोई एरिया रह ना जाए, आपकी मर्जी है आप इसे सिंगल लेयर ले या डबल, पर आपको इसे वीक में दो बार अप्लाई करना है। और गाइस, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सबसे बेस्ट है। आप सभी को पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन करता है, और जो भी हमारी स्किन पे जैसे कि फेड स्कार्स होते हैं उन्हें हटाता है, अनइवन स्किन को इवन करता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी स्किन पे जो मॉइस्चर होता है उसे ये क्ले फेस मास्क बैलेंस कर देता है, हमारी फाइन लाइंस, एजिंग साइंस उनको भी। जैसे कि आपने देखा कि अभी लगाते लगाते वो स्पैचुला टूट गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर पता नहीं क्या हुआ वो टूट गया। तो मैंने अपने फिंगर से पूरे फेस पे अप्लाई करना। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अच्छे से पूरे एक एक एरिया को अच्छे से कवर कर लेना है, और ऐसा करने के बाद आपने 15 मिनट्स का मौन व्रत रखना है, यानी कि आपको 15 मिनट के लिए अपने फेस पर इस पैक को लगा के छोड़ देना है और ड्राई कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 15 मिनट इसको लगाने के बाद मैं अपना फेस वॉश करके फिर जल्दी से आता हूँ और फिर मैं आपको इसके थर्ड प्रोडक्ट का रिव्यू करके बताऊँगा। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बस वेट कीजिए और मैं जाता हूँ। आपको तो पता है फटाफट से हो जाएगा, एडिटिंग होती है ना, तो जल्दी से 15 मिनट बीत जाएंगे। मैं फटाफट यूँ गया और 15 मिनट होते ही मैं फटाफट से आता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हो गए फटाफट से 15 मिनट, बट आप रिजल्ट्स देखें एक बार फेस मेरा। मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस थी ना, मेरे को आपने लिम्सी टैबलेट देखी है, विटामिन सी की एक लिम्सी टैबलेट आती थी, वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। और जो ये क्ले मास्क है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्ले मास्क है और एक टॉफ़ी जैसा इसका वो। और इसका इससे लगाने के बाद मैं आपको बताऊँ, एक तो इंस्टेंट वाइटनिंग चीज़ आई मेरे फेस पे, और एक बात और मैं आपसे बताऊँ, इसने ना मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया। सो गाइज, ये था इसका क्ले मास्क। अब मैं इसके थर्ड प्रोडक्ट का आपको रिव्यू करके बताता हूँ जी। ये है विटामिन सी का फेस सीरम 20%, और ये भी ऑल टाइप स्किन के लिए है। तो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आपको इसको लगाना कैसे, और ये मेरी स्किन पर क्या मिरेकल करने वाला है। क्ले फेस मास्क के बाद आपको ये विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है, इसके भी वही बेनिफिट्स हैं, पर आपको ये दिन में दो बार अप्लाई करना है, रात में और दिन में। वाओ वालों ने क्या करा है, इसके लिए लॉक भी दिया है, क्योंकि ये पंप फॉर्म में विटामिन सी सीरम है, तो इन्होंने इसका लॉक दिया है। अगर आपने जब इसको यूज़ करना है, आपने इसके लॉक को यहाँ से इसके लॉक को आपने हटाना है और आपको पंप कर लेना है, फिर आपने इसको कहीं अपने वार्डरोब में रखना है, तो दोबारा आपको ये लेना है और इसको लॉक कर देना है, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, गिरेगा नहीं, बॉटल भी ख़राब नहीं होती। कई चीज़ों की ऐसे होते हैं वो जम जाता है कुछ उसके एरियाज़ में, सो वो इशू नहीं होगा। सो मैं आपको उसको लगा के दिखाता हूँ। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपने इसको अपने हैंड पे लेना है, और ज़रूर याद रखें कि आप सीरम कभी भी डायरेक्ट ना अप्लाई करें, और बहुत अलग अलग तरीके के सीरम होते हैं और हर सीरम को लगाने का तरीका बहुत अलग होता है।
तो मैं देखता हूँ कि ये सीरम किस तरीके का है। ये जेल बेस्ड सीरम है, आपको दिख रहा होगा, आपको अपने हैंड पे लेना है और इसको हर जगह आपको स्पॉट स्पॉट कर देना है। और कुछ नहीं करना, आपने अपने पाम को बहुत जब हीट पैदा हो जाए रब करना है, और कुछ नहीं, आपने डैब करना है बस अपने फेस को अच्छे से। लग गया सिरम आपने, वो दूसरे तरीके के सिरम होते हैं जिसमें आपको ऐसे नहीं करना है, आपने आपने अपने रब पाम को रब करना है, ये हीट पैदा करना है, उसके बाद आप वार्म हो जाएंगे, आपको डार्क करना है अपने फेस पे, बस ऐसे लगता है। जो ऑयल बेस्ड सिरम्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं, बाकी और अलग तरीके के जो होते हैं वो उनको लगाने का तरीका अलग होता है। और इन श्योरली मैं ज़रूर अपने फ्यूचर में जब मैं उन चीज़ों का रिव्यू करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, पर ये जो है आपको इसको ऐसे ही लगाना है, आपको अपने दोनों पाम को रब करके मैंने बता चुका हूँ ऐसे इसको लगाना है, और देख ही चुके हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से इसने मेरे चेहरे को चमका दिया इस पूरी रेंज ने। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट आप ये मत सोचिएगा कि वाव वालों ने मुझे प्रोडक्ट भेजे हैं या ये स्पॉन्सर्ड वीडियो था तो मैं कुछ झूठ बोलूँगा, इसलिए मैंने आपसे ये बात बोली थी कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं पहले उसको खुद यूज़ करूँ। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरे पर्सनल स्किन एक्सपीरियंसेस, जो मेरे स्किन पे ये प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस मेरे साथ इनका होता है, वो मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। सो आई होप आप सबको ये वीडियो रिव्यू बहुत अच्छा लगा हो, पर हाँ इसका जो प्राइस है आपको ये पूरा रेंज 1550 रुपीज़ से के अप्रॉक्स पड़ेगा, और कुछ आपको डिस्काउंट्स भी वाव वाले देंगे, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये पूरा रेंज मिलने वाला है। अगर जो आप अपनी स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हो तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे आपकी स्किन के लिए। और हाँ बिल्कुल भी आप कोई भी प्रोडक्ट हो, आप ना ये मत सोचना कि 15 दिन लगाया, 1 महीना लगाया और कुछ रिजल्ट नहीं दिया और आके आपने यहाँ पे मेरे वीडियो पे ठोक दिया कमेंट्स के आपने तो वो रिव्यू दिया था हमको ये। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो रिजल्ट ज़रूर देगा अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करो। कोई भी प्रोडक्ट 10 या 15 दिन या 1 महीने में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे सकता, आपको पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और कोई भी रेंज आप यूज़ कर रहे हो किसी भी ब्रांड की, मैं ये नहीं कह रहा वाओ की या किसी भी ब्रांड की, सो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसको कुछ टाइम तक एटलीस्ट 3 महीने आपको हर प्रोडक्ट को देने चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट अच्छा 10 या 15 दिन में। और हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये आपको करीना कपूर या कैटरीना कैफ जैसा स्किन दे देगा, बिल्कुल वाइट कर देगा, धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं, बट हाँ इंस्टेंट वाइटनिंग तो ये ज़रूर देता है, उसके लिए कोई झूठ या ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोल रहा, आपने देख ही लिया, मैंने आपको इसलिए आपको अच्छे से डेमो करके दिखाया। सो गाइज अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो वाओ का रिव्यू पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, और आपने अब वेट करना है मेरे अगले वीडियो का। सो गाइज मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द अपने अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर स्क्रीन्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।